कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में सोशल मीडिया के द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का नया राग छेड़ा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हैक करने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं, राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर जबरदस्त हार से खिसियानी कांग्रेस सोशल मीडिया नोचे। बाय द वे, ये कह कौन रहा है? सोनिया जी, जिन्होंने चुनावों को ही हैक कराने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ हाथ मिलाया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक क्लाइंट की लिस्ट में सोनिया गांधी जी की कांग्रेस का हाथ भी नजर आ गया था, जिसके बड़े चर्चे हुए थे। ज्यादा समय नहीं बीता जब कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व कर्मचारी रहे क्रिस्टोफर विली ने डेटा लीक से जुड़े कई खुलासे किए थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में डिजिटल कल्चर और मीडिया और स्पोर्ट्स कमेटी के सामने बयान देते हुए विली ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ काम करने वाली पार्टियों का नाम लेते हुए भारत की कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिया था। फोकस ऑन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी विद लॉट्स ऑफ इलेक्शंस ऑल द टाइम इंडिया as being a prime source of business, wouldn't you? And you mentioned that they'd done quite a bit of work in India. Could you just describe what you're aware of? I believe their client was Congress. विली के अनुसार कैम्ब्रिज एनालिटिका की एक क्लाइंट कांग्रेस भी थी। कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका का कांग्रेस के लिए मकसद डेटा माइनिंग, नेशनल डेटा एनालिसिस, डेटा ड्रिवन कैंपेन, मीडिया मॉनिटरिंग भी था, जिसमें सोशल मीडिया भी था। वही सोशल मीडिया जिसके हैक होने की बात सोनिया जी कर रही हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर ऐसे ही आरोप लगाए थे, तो ट्विटर ने उनके फेक फॉलोअर्स की पोल खोल दी थी। सोनिया जी, अब देश के लोग इस भड़काऊ राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि इसी सोशल मीडिया के उपयोग से आपका सच और नए भारत का सुंदर भविष्य दोनों साफ दिख रहे हैं। सोशल मीडिया को कोसने की बजाय आप जन कल्याण के लिए काम कीजिए।